अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम, कैसे हैं आप सब? जी जी गर्म है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30। वसीम अभी काम से जॉब से आया था, तो शमैला ने बनाई है चाय। कह रहे खाना नहीं खाना, खाना ना खा। कभी चाय पी रही है, उसको ट्विटर में डाल दिया। गर्म है, चाय पी के मैंने कहा अब ना अब व्लॉग स्टार्ट करते, वसीम थोड़ी अपनी रूटीन दिखाते हैं। मोबाइल साथ लेके जा रही है, कायनात को लेके उसे घर छोड़ के अपना सारा व्लॉग बना के सुबह फिल्टर से पानी ला के कल सुबह तक का व्लॉग सारा वसीम बनाए। इतना कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं फिर शाम को। चलो जी व्लॉग मुक गया, सारी टेंशन मेरे सर में रहता, अब स्टार्ट किया, अब कल सुबह तक यकीन ही जरूरत नहीं है इस व्लॉग को। चलो सोने आप भी चाय पियो, हम भी चाय पीते हैं। वसीम अभी जाने लगे कायनात को लेने। जी मैं जा रहा हूँ कायनात को लेने, उसको घर छोड़ के तो फिर वापस आता हूँ। वसीम को मोबाइल दे दिया तो वसीम नहीं आती एक बजे से। नहीं मैंने वो एक दोस्त के पास जाना काम है, उसके पास 10-15 मिनट का, तो फिर मुझे वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो चलें ठीक है, फिर आप जल्दी से लेके आ जाओ। फिर आ रहा हूँ। वसीम जब भी कायनात को घर छोड़ के आ गया, क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो गया है 11:30। हाँ जी 10 बजे जाती है ये, बाकी ना टाइम पता नहीं कहाँ लगा के आती है। देख ले 11:30 बजे और वसीम अभी इनको नहीं पता, देखना दिखाऊंगा तो कैसे छोड़ डालते। वसीम ना मेरे लेके डेरे में चॉकलेट, देखा अपना स्टेटस देख रहे, मंगा वो देखे फलाने ने अपनी बीवी को कह दिया, फलाने ने क्या दिया। मेरे पास आपको पता सैलरी नहीं थी तो मेरे पास नहीं, तो मैं तो हंस रही थी। तो फिर वसीम ने मुझे 50 वाली चॉकलेट ला के बच्चा को भी देते हैं, मैं भी खाते हैं, हमारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट वो उसके काम जाकर सबको जी एक 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 पीस एक एक बाइट दिया, मजे की है बहुत। खा रहा, खा लो खा लो खा लो। चलो जी अभी तैयारी करते हैं सोने की, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला, वसीम कैसे हैं आप सब जी? देखे मैंने रात को कहा था ना वसीम व्लॉग बनाएंगे, कोई नहीं व्लॉग बनाया। सुबह उठे नाश्ता वगैरह किया, पानी ला कर दिया, नान को छोड़ के ना तो फिर भाग गया। तो मैंने ना आज वर्धा को लगवाने जाना था 18 माह का ना इंजेक्शन, नहीं सॉरी 18 माह का नहीं 15 माह का, 18 माह का तो वो मूसा का जेन में आ रहा है, मूसा को भी लगना था 18 माह का और वर्धा को लगना है 15 माह का। तो यहाँ से फाइल ढूंढ ढूंढ कर कितना मैंने बखेरा डाला, तो फाइल कहाँ से मिली इतनी मुश्किल से। फिर मैंने अलमारी के ऊपर देखी, मैंने कहा मैंने तो कर लिया फाइल नहीं, उसमें इनकी जो है जन्म पर्चियाँ, ये इंजेक्शन के कार्ड, ये वो और सारा कुछ ना हमारा निकाहनामा, एक लैदा मैंने फाइल बनाई हुई है, तो बड़ी मुश्किल से मिला। तो अभी निकालते हैं, हनान आने वाला है, फिर जाएंगे इंजेक्शन लगवा के लाएंगे। देखिए ये जब मेरा हनान हुआ था ना तब के सारे कागज़ में, हिजाज हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर मरीन हिजाज, ये तब के सारे पड़े हुए हैं सारा कुछ। ये मेरे वर्दा की दफ़ा के, हुज़ैफा की दफ़ा के ना अम्मी के घर पड़े हैं, मुझे याद नहीं रहता जब भी जाते ना उनकी अलमारी के ऊपर पड़े हुए हैं, ये दोनों दफ़ा की फाइल है। तो अभी वर्धा की वो निकालते हैं इंजेक्शन का कार्ड, फिर लेके चलते हैं वर्धा को, जो 15 माह का इंजेक्शन है ना वो लग रहा है। उस दिन मैं कहती ना 15 माह का इंजेक्शन लगना है, तो खाला कहती उसे भी लगना है, मूसा को 18 माह का। मैं कहती मारिया जब आई और खाला कहती मारिया के छोटे बेटे को भी लगना है। तो अभी इनकी मैं निकालती हूँ जन्म पर्ची, तो फिर हम लोग चलते हैं इंजेक्शन का कार्ड भी। वो किधर गया मैं बच्चों की ना वो ढूंढ रही थी चीज़ें वगैरह, तो ना वसीम की बहुत पुरानी डायरी मिली थी, वसीम में लिखा हुआ है मेरा असली नाम वसीम अकरम, सन पैदाइश 1990, तारीख पैदाइश 9 जनवरी, पैदाइश का दिन मंगल, तलीमी तलबियत अभी जारी है, मेरा सारा कैप्रिकॉन, मुझे मज़ा आता है जब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं होता हूँ, सुन लें। पसंदीदा मौसम बहार, पसंदीदा फल मैंगो एप्पल, पसंदीदा सब्जी भिंडी अरबी और कुछ भी खाने को मिल जाए, ठीक है जनाब। मेरे पसंदीदा दोस्त जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, पसंदीदा गाने मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, दिल और धड़कन, मेरी पसंदीदा शख्सियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह अल्लामा इकबाल, मुझे याद आता है अब तक मेरे दोस्त जो मुझसे बिछड़ गए हैं, पसंदीदा अंदाज मैं हर एक से दोस्ती बहुत जल्दी कर लेता हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का, सुन रहे हैं। पसंदीदा दोस्तें बिनिश, खिजरा, मुसर्रत, बिलाल, फैसल, इजाज, बाजी नबीला, सना, नूरीन, ठीक हो गया। मेरे लिए सब कुछ है, मेरे वालदैन और घर वाले और एक स्पेशल बंदे का नाम लिखा हुआ है। पसंदीदा टीचर मैविस, जिसको हमने बहुत परेशान किया। पसंदीदा फूल गुलाब मोतिया। पसंदीदा जानवर सांप शेर। देख रहे हैं कितना कुछ वसीम ने लिखा हुआ है। तो मैं बच्चों की चीज़ें ढूंढ रही थी डायरी में, वसीम बड़ी शेर व शायरी भी करते थे, ये देखे ये सारी लिखी हुई है, उनकी एक दो कॉपियाँ भी थी, मैं तो उन्हें चीज़ें पहन दी, वसीम के नहीं हाथ टिकते कोई इधर कभी उधर, ये वो ना गज़लें लिखी हुई हैं, ये देखे इधर भी गज़ल लिखी हुई है, और भी वसीम की कितनी कॉपी, ये भी गज़ल शज़ल सारा कुछ लिखा हुआ है। वसीम भी जब ना पढ़ते थे ना, वसीम का बहुत शौक था ऐसी चीज़ों का। तो अभी ढूंढते हैं जी बच्चों की चीज़ें,
फिर चलते हैं इंजेक्शन लगवाने। इधर भी गजलें लिखी हुई हैं, पेज नहीं ओपन हो रहा है। एक हाथ में बर्फ पकड़ाना, यू आर स्पेशल भैया, बड़ा कुछ लिखा है मेरे बंदे ने। उनकी कॉपियाँ भी कितनी शेरों शायरियाँ की हुई थी, इतनी ज़्यादा पता नहीं कहाँ चीज़ें गई हैं। मुझे तो बस बच्चों की चीज़ों की टेंशन हो रही है, तभी ढूंढती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी ये मिल गई, ये मेरे हनान की है, ये वर्दा की है, ये हुज़ैफ़ा की। बाकी मोबाइल नंबर लिखे हुए इसलिए मैं ओपन करके नहीं दिखा रही। तो वर्दा की लेती हैं, इसको 15 माह वाला इंजेक्शन लगवा के लाते हैं। देख रहे 15 माह वाला लगना। जो मैंने इंजेक्शन के वो निकाले थे ना, इनकी क्या बोलते हैं कार्ड वगैरह ये वो, उसमें सिर्फ हनान की ना फोटो का भी पड़ी हुई थी उसकी, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है। तो अभी की मैं इतनी टेंशन हो रही, मैंने कहा कहाँ से ढूंढ, इतने जरूरी कागज़ है आपको पता है। फिर वसीम के कागज़ दोबारा मैंने सारे खोले, क्योंकि मुझे याद है मैंने कहा वसीम जहाँ जॉब पे लगे ना, उन्होंने कहा था तीनों बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो लेके आना, उन्होंने कहा ना मैं लेके आना। तो एक ये देखे, शुक्र है मिल गया की मैंने इतने जरूरी कागज़, मुझे इतनी टेंशन होती है ना, इसलिए इन सब चीज़ों को ना मैंने एक जगह इकट्ठा किया है। हनान, हुज़ैफ़ा, वर्दा, तीनों को ये देखे बर्थ सर्टिफिकेट और साथ में हमारा उन्होंने कहा ना। हाँ जी, ये वसीम का ना पासपोर्ट बनवाया था बहुत देर पहले, जो लास्ट काफ़ी अरसा पहले भी हमने वीडियो लगाई थी ना वसीम ने, भाई जो ना वो सच में वसीम का इरादा बन गया था, पर की माने ना मेरा दिल माना ना वसीम का। वसीम ने सारी उनसे बात करी, उन्हें बता दिया इतने पैसे इसको दे रहे हैं, जिसने भेजना ये करना वो करना, इतने के टेस्ट होंगे। फिर ना मैंने कहा नहीं, तीन बच्चे हैं किराए का घर है, मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी ये वो, फिर हमें ना कैंसिल कर दिया, वरना वसीम का तब पूरा मूड था जाने का। और ये पासपोर्ट ये तो बहुत देर का वसीम ने बनाया, वो शादी से पहले का तकरीबन बनाया हुआ, डेट लिखी होती ना जब बना होता है, पता नहीं कब बना मुझे तो। हाँ 21 जून नहीं सॉरी जुलाई 2011 का बना, हाँ 2011 का बना, और 2016 में ना ये होना था एक्सपायर। अब कौन सा मंथ चल रहा है। चलें जी, शुक्र है सारे कागज़ मिल गए, अब इनको मैं लेता रखती हूँ। हनान मेरा जी स्कूल से आ गया था, इनके उस दिन के जो समोसे नहीं थे लिए उसमें से 2 दिन पड़े हुए थे, कह रहे थे मामा वो कर दो फिर हम लोग चलते हैं। तो वर्दा ने अपना पजामा गीला कर लिया था, मैंने सूखने के लिए ना वो चूल्हे के पार डाला, थोड़ा सा पानी गिराया पजामे पे ना सूख गया होगा, तब ये समोसे खाने फिर हम लोग चलते हैं जी वर्दा को इंजेक्शन लगवाने। ना तंग करो कसम से, ना बड़ा तंग करते, इंजेक्शन का कार्ड वर्दा कर लिया, वर्दा को हमें रेडी कर लिया, मैंने भी पहन लिया पाया। तो अभी जल्दी से चलती है, क्या आप सबको कभी समोसा खा रहे, वो कह रहे हैं आप खाओ, चलो जी चले। कभी भाई का भी हाथ पकड़ के चल लिया करो, अपनी पड़ी रहती है तुझे है ना, क्यों ये बड़ा कमीन है। तो फिर क्या वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। हाँ जितना तूने गंद मारा ना कम ही उसने मारा। चलो चलो, हम लोग जी अभी जा रहे हैं वर्दा को इंजेक्शन लगवाने। अच्छा सुबह सुबह जल्दी चल जाना तो जल्दी बाड़ी आ जाती है, हनान की वजह से लेट हो गया, तो अभी जाते हैं फिर जल्दी से लगवा के आ जाएंगे। गोला आज इंजेक्शन लगना जोने शहजादे, इतनी अच्छी धूप निकली हुई ना ये देखिए। हाँ जी उधर जा रहा है मेरा शहजादा इंजेक्शन लगवाने है ना। हाँ से फांसी टीके लग रहे हैं, पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, फांसी टीके लाने, फांसी टीके है कल सुबह आइएगा, अभी डॉक्टर उठ गया, कल फर्स्ट टाइम आइएगा, तो कल फिर टीम के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है बेबी, आज उसको हाथ लगाओ, इसको हाथ लगाओ जैसे पहले लगाया था जाते हुए, ये देखा कितनी प्यारी आवाज आती है। चलो बस 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 एक्शन तो नहीं लगा, पर इसको उठा के कसम से मेरी बाजू में बहुत दर्द होती है, माशाल्लाह बड़ी हो गई है ना, कहीं अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाए तो इसको तो मैं कभी भी न उठाऊं है ना। मामा को तंग करती हो ना आप, ये देखो कितने झूठ बोलते, कहती नहीं कहती करती हो, ये देखो हाँ ये जी पत्थर लाया है, तंग करते हो आप अपनी मामा को, करती हो देखा, और वो यही नहीं थोड़ी तेज आई अरे अल्लाह जी, लाओ दिखाओ दिखाओ। हनान गया था अपनी नानो घर, वहाँ से उसको दोस्त उसको दिया ये पतंग, नान इसका ही तीला टूटा हुआ इसलिए सही नहीं उड़ रही, पहले पहले क्या आपको पता लोग कितनी ये पतंगे वगैरह उड़ाते थे। अच्छा ना करो से वगैरह, मुझे तो लड़ाई हो गया, तो अब जब से आपने देखा हो जो वाक्य होते हैं जी, वो तंदी से गर्दन कट गई, ये हो गया वो हो गया ना, बहुत नहीं मजाक नहीं असल में होता रहा, मैंने खुद इतने वाक्य सुने, बाइक पे ये हो गया वो हो गया ऐसे करके ना,
तो थोड़ी सख्ती हो गई, इसलिए आपके सामने कोई भी नहीं उठाता, वरना देखे इतवार वाले दिन तो इतना पूरा सामान ही इन पतंगों के साथ बढ़ा होता था जी। तो अपनी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, वसीम के दोस्तों के नाम जेल में रखिएगा, वसीम को तंग करेंगे जब वसीम आएंगे। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट करूंगी जब वसीम को छेड़ूंगा ना, आपके दोस्तों के नाम मैंने बताए, आप जो दोस्तें नीचे मिलते ना सारी देख रहे हैं, वसीम को हम कल सुबह छेड़े कि ना करो। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।